नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पाकिस्तान की सरकार को सच बिल्कुल हजम नहीं होता। वो सच शब्द सुनकर ही उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं और जो सच बोल दे उसे मारने से भी पीछे नहीं हटते। पीठ पीछे छुरा घोपना तो पहले से ही चला आ रहा था, अब ऐसे आरोप है कि उसने मोदी की बहन की हत्या करवा दी है। मोदी की बहन की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की बहन जो अक्सर पाकिस्तान के काले सच का पर्दाफाश करती थी, उनकी मुखर आवाज इमरान बाजवा और शेख चौधरी जैसे नेताओं के कानों में चुभते थे। उनके लिखी हुई एक एक बात से पाक सरकार की नींद उड़ जाती थी। आज सच्चाई की वो लौ बुझ गई। आज एक मुखर आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन की हत्या करवा दी गई। जी हाँ, करीमा बलोच जो मोदी को अपना भाई मानती थी, उसकी लाश संदिग्ध हालत में मिली है। करीमा बलोच हमेशा पाकिस्तान के सच को उजागर करती थी। उनकी आवाज़ पाकिस्तान के नापाक इरादों की बुनियाद हिला देते थे, पर आज वो आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। पाकिस्तान के अत्याचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाली एक्टिविस्ट करीमा बलोच का शव कनाडा के टोरंटो में पाया गया है। वो कनाडा में रह रही थी। तारिक फतेह ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान के गंदे हाथ हैं। बता दें कि करीमा बलोच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना की बर्बरता के खिलाफ बेबाकी से आवाज उठाती थी। बलूचिस्तान में जिस तरह से पाक सरकार तालाशाही रवैया अपनाती है और वहां के बाशिंदों पर, भोले भाले लोगों पर सेना का डंडा चलवाती है, करीमा ने वो सब बताया था। करीमा के सच से पाकिस्तान इतना डरा हुआ था कि उसे निर्वासित कर दिया गया। करीमा रविवार से ही लापता बताई जा रही थी और अब जाकर उसकी लाश मिली है। उन्हें शाम 3 बजे के आसपास अंतिम बार देखा गया था। अब उसके परिवार ने पुष्टि की है कि करीमा का शव मिल गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में करीमा की मौत हुई है। इस मौत के पीछे कौन जिम्मेवार है ये तो जांच का विषय है, पर करीमा पाकिस्तान के सरकार के लिए सरदर्द जरूर बन चुकी थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। यही वजह है कि बीबीसी ने 2016 में करीमा बलोच को दुनिया की 100 सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया था। करीमा की इस तरह से मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी मौत को लेकर पाकिस्तान सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी ISI के ऊपर भी संदेह जताया जा सकता है। करीमा ने स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बलूचिस्तान का मुद्दा बड़ी बेबाकी से उठाया था। मई 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन छीनकर वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। उनके इस बयान के बाद भी सियासत काफ़ी गर्माई थी। वहीं दुनिया को बलूचिस्तान की खबर देने वाले बलूचिस्तान पोस्ट ने करीमा बलोच की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका इस तरह से मृत मिलना कई गंभीर सवाल और चिंता प्रकट करता है। बता दें, करीमा बलोच पीएम मोदी को अपना भाई मानती थी। 2016 में रक्षाबंधन पर करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताते हुए एक भावुक सा वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन बलूचिस्तान की एक बहन भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में कितने ही भाई लापता है, कई भाई पाक सेना के हाथों मारे गए हैं, बहनें आज भी लापता भाइयों की राह तक रही है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें भाई मानती है। आप बलोच नरसंहार, युद्ध, अपराध और मानवाधिकार हनन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलोचों और बहनों की आवाज़ बने। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2016 में लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता का समर्थन किया था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों का उल्लेख किया था। उसके बाद से ही करीमा ने अपील की थी। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान को सच हजम ना हुआ हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की यही हालत हुई है। मई के महीने में बलूच पत्रकार साजिद हुसैन भी स्वीडन में मृत पाए गए थे। वो 2 मार्च से लापता थे और बाद में पुलिस को मिली तो सिर्फ उनकी लाश। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों पर यह आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि विदेशों में रह रहे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है कि यदि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुंह खोलना बंद नहीं किया तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। और ये इसी तानाशाही का एक जीता जाता सबूत है। जिन पाकिस्तान परस्तों को ये लगता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है, वो बलूचिस्तान को देख ले। बलूचिस्तान बीते 15 सालों से जूझ रहा है। पाकिस्तान की सेना
या क्रूरता की सारी हदें पार कर देती है, इतनी ज़्यादा कि एक वक्त के लिए तो हिटलर की आंखें भी नम हो जाए। बलूचिस्तान के लोगों को बेवजह जेलों में बंद कर दिया जाता है, वहाँ की कई महिलाएँ अचानक गायब हो जाती हैं। इन्हीं सब की आवाज़ बनकर करीमा बलोच सामने आई थी। कई सालों से वह पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। उनकी मौत से बलूचिस्तान में चल रहे विरोध को गहरा झटका लगेगा, क्योंकि आज एक आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।